माननीय सभापति जी, आई हैव ऑलरेडी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू राहुल गांधी जी. राहुल गांधी जी अपने ही हैज मेंशन, उन्होंने ही हैज एक्सप्रेस हिज फीलिंग जो उनको था. नहीं नहीं, आप दल से बाहर आ जाए, कृपया आप दल से आ जाए, फिर मैं उनको सब मैं उनको फिर समय दे दूंगा, फिर मैं उनको समय दे दूंगा. जी सर, सर मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना गन्ना की बात करता है. मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए. सर मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति जी, अगर आप देखेंगे मैंने अनुराग जी को बिठा के मैंने माननीय राहुल गांधी को समय दिया, मैंने अनुराग ठाकुर जी को बिठा के, तो कृपया आप लोग जब एलओपी को टाइम मिल गया, एलओपी को टाइम मिल गया तो आप सदन में व्यवधान. अब फिर बोलना चाहते हैं आप, खड़े हो जाइए, आप फिर बोलना चाहते हैं, खड़े हो जाइए, चलिए खड़े हो, आप लोग जाइए बिल से बाहर. एलओपी, एलओपी प्लीज, एलओपी आई एम गिविंग, तो आप बिल से तो जाइए. सर स्पीकर सर, अगर मैं आपके एलओपी को टाइम दे रहा हूँ तो आप माइक मिल जाएगा आपको, माइक मिल जाएगा, बेल खाली कर दीजिए. इतनी इतनी बरसा बरसा, पूरा देश इतनी अच्छा बजट पे स्पीच दे रहा है, यू हैव ऑलरेडी स्पोकन. राहुल ने कह दिया, राहुल ने कह दिया, अभी हम अब आप अपने लीडर का सम्मान करें. हमने आपके लीडर को दूसरी बार फिर बुला रहा हूं, आप अपने लीडर का सम्मान करें, हाउस के एलओपी हैं, और अगर मैं उनको दूसरी बार बुला रहा हूं, उनको बिठा दिया माननीय सदस्य को, तो कृपया आप लोग तो कम से कम इस बात को महसूस करें. मिस्टर केसरी मैं प्लीज बोल दी, मिस्टर राहुल गांधी, मिस्टर राहुल गांधी आप लोग राहुल. स्पीकर सर बोलने का मन क्या? स्पीकर सर इस सर माइक नहीं है, सर माइक एक माइक यहाँ से नहीं जाती. स्पीकर सर मैं जो भी तो माइक आ जाएगा. स्पीकर सर जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है. और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है. जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म. आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे. धन्यवाद गौरव, धन्यवाद श्री अनुराग ठाकुर जी. गौरव जी आप तो हमें समय दीजिए, खत्म हो जाएगा सर. श्री राहुल गांधी खत्म हो जाएगा सर. श्री राहुल गांधी प्लीज, राहुल गांधी जी ये तय कर ली मुझे जब जब आप चाह रहे हैं मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूँ. हाँ, तो कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति न क्रिएट करें कि सदन स्पीकर सर सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष भी है. अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है. नहीं कोई मुझे अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है. मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए. राहुल गांधी जी मैं चेयर पे हूं और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदी या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा मैं उसको कार्रवाई करूंगा. उसको निकलवाऊंगा.
ठीक है आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको एक्सपेंड करूँगा। आपने कर दिया, सुना सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मैं सुन श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, अखिलेश यादव जी, श्री अखिलेश यादव जी बैठ जाए, श्री अखिलेश महोदय, श्री अखिलेश सभापति महोदय, मैं केवल इतना, सभापति महोदय, सभापति महोदय, स्वागत है, क्या तरीका सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आइए, वे केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति, तुम आप जाति कैसे पूछोगे, तुम कैसे पूछोगे जाति, आप बैठो, नहीं जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते, आप हमारी व्यवस्था सुन ले, आप मेरी व्यवस्था सुन ले, कोई कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा, अनुराग ठाकुर जी मैंने उसको स्पष्ट कर दिया, श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी बात आ गई, माननीय सभापति जी, उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय आरजी वान जी ने यही कहा था कि ओबीसी के आरक्षण का विरोध करता हूं, ये तो सदन में है, आरजी वन ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता हूं, अब ये तय करें कि वो सही थे या ये सही हैं, और आपकी पार्टी गलत थी कि आप गलत हैं, और वो पिछड़ा विरोधी थे कि आप पिछड़े के पक्ष में हो, और उस समय की पूर्व प्रधानमंत्री आईजी ने कहा था कि जात पर ना पात पर, अभी मैंने तो कहा नहीं सर, उस समय कहा गया था, और इसी तरह से ही मंडल, कृपया अपना भाषण संक्षेप, मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, इस पर कौन वर्षों तक बैठा रहा सर, जवाब देना होगा इनको, कौन देगा जवाब, अगर उस समय उसको लागू कर दिया होता तो आज ओबीसी के अधिकारी भी ज्यादा होते, बाकी भी होते, और यही नहीं सही, इन्होंने दलित के साथ, आदिवासी के साथ, ओबीसी के साथ विरोध किया, ओबीसी कमीशन को तो संवैधानिक दर्जा भी नहीं दिया, अगर संवैधानिक दर्जा दिया तो मोदी सरकार ने आकर दिया है माननीय सर जी, और मैं इस सदन के लिए पढ़ देता हूं सर, नेहरू जी ने 1961 में आरक्षण के विरुद्ध में लिखा था, कोट, आई रिएक्ट स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट एनीथिंग विच लीड्स टू इनएफिशिएंसी एंड सेकंड रेट स्टैंडर्ड्स, आई वांट माय कंट्री टू बी अ फर्स्ट क्लास कंट्री इन एवरीथिंग, द मोमेंट वी एनकरेज द सेकंड रेट वी आर लॉस्ट, आई अनकोट, ये किसने कहा, देश के पहले प्रधानमंत्री ने कहा, आप उससे सहमत हो गए नहीं सहमत हो बताइए, माफी मांगोगे उसके लिए कि नहीं मांगोगे, कृपया चेयर को आप एड्रेस